आईसीआईसीआई प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड कैसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.digitalbalmela.com। बुलेटिन में अब बात करते हैं सफेद कोट नियत में खोट की। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह सरकार के ही कुछ डॉक्टर्स सरकार की योजना को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम गहलोत की निशुल्क दवा और जांच योजना की। गहलोत सरकार की मंशा है कि हर मरीज को निशुल्क दवा और जांच की सुविधा मिले, लेकिन कमाई के लालच में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ही इस योजना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कोई आरोप नहीं बल्कि जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा की सख्ती के बाद दौसा में कुछ मेडिकल स्टोर्स की जांच में सामने आए काले सच की वानगी है। आखिर क्या है धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का घिनौना सच और कैसे गरीब जनता को लूटा जा रहा है? देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डॉक्टर्स को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। वो किसी का दर्द दूर करता है तो किसी को नई जिंदगी देता है, लेकिन सफेद कोट में हर डॉक्टर धरती का भगवान नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो लालच की अंधी दौड़ में भगवान की जगह हैवान बनते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है दौसा जिला चिकित्सालय से। मामला भले ही संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के दौरे के दौरान सामने आया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से लेकर जिला अस्पतालों में ज्यादातर जगहों पर मरीजों की जेब लूटने के रास्ते बनाए गए हैं। आइए आपको पहले दौसा की सच्चाई दिखाते हैं। दरअसल जांच में सामने आया है कि हर दवा स्टोर का डॉक्टर साहब से कनेक्शन है। बात करते हैं राजकीय टीवी अस्पताल के ठीक सामने स्थित मैसर्स अनिता मेडिकल्स की, तो राजकीय चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर आर डी मीणा की धर्मपत्नी अनीता मीणा इस मेडिकल स्टोर का संचालन कर रही है। जहां डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं उसी परिसर में मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है। इस मेडिकल स्टोर पर अधिकांश बिल डॉक्टर आर डी मीणा के प्रिस्क्रिप्शन पर जारी किए गए। डॉक्टर मीणा के अधिकांश पर्चों से पता चला कि वे ज्यादा लाभ कमाने के लिए कंपनी विशेष की दवाइयां मरीजों को लिखते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि मेडिकल स्टोर से रोजाना 80 से 120 मरीज को 60 से 80,000 रुपए की दवाएं बेची जाती हैं। अब बात करते हैं आर के जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा के पास स्थित किरण मेडिकल की, जहां ऊपर डॉक्टर का घर है और नीचे चल रहा है दवाओं का धंधा। ये फर्म विनोद कुमार सोनी और कमलेश कुमार सोनी की साझेदारी में संचालित है। जिस परिसर में ये दवा स्टोर चलता है ठीक उसके ऊपर जिला चिकित्सालय दौसा के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश मीणा, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मंजू मीणा 3 महीने से निवास कर रहे हैं। इसी जगह पर यहां दौसा जिला अस्पताल में कार्यरत अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएस मीणा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सरोज मीणा निवास करते थे। फर्म की जांच में सामने आया कि दुकान पर ज्यादातर बिल डॉक्टर आरएस मीणा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सरोज मीणा के प्रिस्क्रिप्शन पर है, जबकि कुछ बिल डॉक्टर मंजू मीणा और डॉक्टर सुरेश मीणा के प्रिस्क्रिप्शन पर जारी किए गए। फर्म के स्टॉक की जाँच में पता चला कि कुछ दवाओं की खरीद और बेचान में काफी अंतर है, यानी भारी मुनाफा लेकर दवाएं बेची जा रही है। सेवा के नाम पर मेवा बटोरने का सिलसिला यही नहीं रुकता। अब हम आपको दिखाते हैं दौसा के राजकीय टीबी अस्पताल के सामने स्थित मैसर्स रिया मेडिकल्स की कहानी। यहां डॉक्टर साहब का पर्चा भी मिला और बेटी दवाएं बेचती मिली। रिया मेडिकल्स की मालकिन रिया शर्मा है, जो कि दौसा जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर डी एस शर्मा की बेटी है। जाँच में पता चला कि फॉर्म पर अधिकांश बिल डॉक्टर डी एस शर्मा के प्रिस्क्रिप्शन पर जारी किए गए। बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कंपनी विशेष की दवाओं की बिक्री ज्यादा मिली। यहां 25 से 30 मरीजों को रोजाना 25,000 रुपए से ज्यादा की दवाएं मेडिकल स्टोर से बेची जाती पाई गई हैं। अब बात दौसा के राजकीय टीबी अस्पताल के सामने लाजपत कॉलोनी में सोगुण मेडिकल स्टोर की। ये फॉर्म पुष्पा देवी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो राजकीय चिकित्सालय दौसा के वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर आर के मीणा के रिश्ते में मामी है। इस फॉर्म पर सभी बिल डॉक्टर आर के मीणा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सारिका गोठवाल के प्रिस्क्रिप्शन पर जारी की गई मिले। यहाँ भी ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से कंपनी विशेष की दवाएं चिकित्सकों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी मिली। रिकॉर्ड की जांच के दौरान पता चला कि दोनों चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन पर रोजाना 75 से 100 मरीजों को 50 से 60 हजार रुपए से ज्यादा की दवाएं मेडिकल स्टोर से बेची जाती मिली। इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने दौसा चिकित्सालय का आकस्मिक दौरा किया। बड़े साहब की सख्ती हुई तो औषधि नियंत्रक संगठन एक्टिव मोड में है। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर जयपुर की 4 सदस्यीय टीम की दौसा में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
एडीसी दिनेश तनेजा के नेतृत्व में डीसीओ सिंधु कुमारी, डीसीओ कोमल रूपचंदानी, डीसीओ अमन ठाकुर और डीसीओ रामकेश मीणा ने कार्रवाई की। गहलोत सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही ये मैसेज दे दिया था कि निशुल्क दवा और जांच योजना पर उनका मुख्य फोकस रहेगा। हुआ भी ऐसा ही, दो साल में निशुल्क दवा और जांच योजना का दायरा बढ़ाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन काली कमाई के फेर में चिकित्सक और दवा कंपनियों के कनेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। दौसा के मामले ने पूरे प्रदेश में चल रहे ड्रग माफियाओं के कनेक्शन की पोल खोल कर रख दी है। जानकारों की माने तो दौसा सिर्फ एक वानगी भर है। अगर राजधानी जयपुर में बड़े चिकित्सकों के यूं तार जोड़े जाएं, तो करोड़ों की कमाई के खेल से पर्दा हट जाएगा। जांच हो तो पता चलेगा कि किस तरह चिकित्सकों ने घर में ही दवाओं का धंधा खोल रखा है। जांच के नाम पर नजदीकी लैब से कैसे कमीशन का खेल चलता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की एक अच्छी पहल पर गंदा कनेक्शन हावी हो रहा है, वरना गहलोत सरकार निशुल्क दवा जांच योजना का दायरा लगातार बढ़ा रही है। निशुल्क दवा योजना को व्यापक स्वरूप देने के लिए 600 नए दवा केंद्र खोले गए हैं। फिलहाल पीएचसी पर 15, सीएचसी पर 37, जिला अस्पतालों में 56 और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में 90 तरह की जांचें निशुल्क हो रही हैं। जिला स्तरीय अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से मरीजों को कैंसर, हार्मोन समेत 40 विशेष तरह की जांचों की सुविधा फ्री मुहैया कराई जा रही है। निशुल्क दवा योजना के तहत कैंसर, किडनी और हार्ट से संबंधित 105 तरह की दवाइयां, इसके साथ ही सर्जिकल सूचर्स आदि की संख्या में भी वृद्धि की गई है। वर्तमान में सब सेंटर पर कुल 49, पीएचसी पर 410, सीएचसी पर 632, जिला अस्पतालों में 841 और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 970 तरह की दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर्जिकल और सूचर्स निशुल्क सेवाओं में शामिल किया गया है। यही वजह है कि निशुल्क दवा वितरण में राजस्थान देश भर में नंबर वन बना हुआ है। धरती पर चिकित्सकों को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। वैदिक काल से लेकर आज तक चिकित्सकों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। देखें भी क्यों ना, जो जान बचाता है वही भगवान कहलाता है। लेकिन चंद लोगों ने इस पेशे की सूरत ही बदल दी। हमारी इस खबर का उद्देश्य कतई चिकित्सक समुदाय या इस पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने लाना भी जरूरी है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद इस पेशे से जुड़े सभी प्रतिनिधि विचार मंथन करेंगे, कम से कम ये प्रण लेंगे कि सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का फायदा हर जरूरतमंद मरीज तक पहुंचाएं, तो शायद उन्हें लोग दिल से धरती का भगवान जरूर कहेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।